दिसंबर है, आज महापरिवार दिन, बाबा साहेब अम्बेडकर का आज ही के दिन निधन हुआ था। आज उनका निधन होकर 62 साल पूरा हो चुका है और 62 साल की इनके निधन का जो ये दिन है और भारतीय राजनीति का जो आज़ादी का दिन हमें मिला था वो भी लगभग 70 साल का हो चुका है। और 70 साल में हमारी इस आज़ादी का सत्यानाश कैसे कैसे हमारे आज के नेता और आज से थोड़ा पहले के नेता कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ये नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है, भारतीय राजनीति का बहुत ही मजबूत स्तंभ, जिन्हें भारत में भारतीय राजनीति का शिल्पकार कहा जाता है। कानूनी दाव पेज वो किताब, वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में तैयार की गई थी, जो आज पूरे भारत में वही संविधान लागू है। हालांकि भारत आज़ाद होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के निधन का ये 62वां साल है, मगर भारत की राजनीति इतने अलग ढंग से जा रही है कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर होते तो उन्हें बहुत दुख होता। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। बाबा साहब एक पिछड़ी जाति से थे, बहुत कुछ उन्होंने अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए किया, मगर उसका फ़ायदा आज भारतीय राजनीति में अलग ढंग से दिखाया जा रहा है। वहीं इसका एक दूसरा दृश्य, एक इतनी बड़ी महान हस्ती का आज निधन का ये दिन है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, और आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद भी किया गया था। भारतीय लोकतंत्र का ये काला दिन आज ही के दिन था, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के नाम पर बाबरी मस्जिद को फैजाबाद के अयोध्या उत्तर प्रदेश में शहीद किया गया। आज ही के दिन हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी अपनी मस्जिदों के बाहर बाबरी मस्जिद की फैजाबी के लिए, बाबरी मस्जिद की वापसी के लिए अजान देते हैं। इस वक्त मैं भिवंडी शहर के बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो यहाँ पुतला है वहाँ पर मौजूद हूँ। भारतीय लोकतंत्र का जो सत्यानाश भारत की आज़ादी के बाद से अब तक होता जा रहा है, आप देखेंगे कि अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत में गौवंश के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। भले उनका नाम मुसलमान हो, भले उनका नाम दलित हो, मगर वो इस देश में रहने वाले नागरिक हैं, वो एक इंसान है। अभी अभी भिवंडी शहर से कुछ दूर उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में गौवंश के नाम पर एक PSI की जान ले ली गई, उसे गोली मार दी गई। ये हमारा भारतीय लोकतंत्र है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ही, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वहाँ विवेक तिवारी नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वाले ने सीधे सीधे गोली मार दिया। यही है, लोग सवाल कर रहे हैं इस देश में कि क्या भारतीय लोकतंत्र यही है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, या उस वक्त भारतीय राजनीति को या भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी बलि दे दी, अपना सामान दे दिया, अपना पैसा दे दिया, तो क्या उन्हें यही उम्मीद रही होगी कि आज का जो भारतीय लोकतंत्र है ऐसे ही लोकतंत्र के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। आज लोग तड़प रहे हैं, इस देश में रोटी नहीं है, खाने को बड़ी मुश्किल से दो रोटी मिल पा रही है, और हमारे जो नेता हैं अपने अलग अंदाज में जी रहे हैं, जनता परेशान हाल है, और इस देश में लोग राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद खेल रहे हैं। देश की जनता रोटी के लिए तड़प रही है। मैं खान पगड़ियालम, भिवंडी शक्ति समाचार के लिए।